क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान दौरे के चलते आईपीएल 2022 से पहले फ्रेंचाइजियों को दिया सबसे बड़ा झटका। अब क्या है वो झटका बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की आगामी 2022 के सीजन से पहले फ्रेंचाइजियों को एक अच्छी खबर के साथ में बुरी खबर भी दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल 2022 की शुरुआत के पहले हफ्ते के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्हें पाकिस्तान दौरे के समाप्त होने के बाद T20 लीग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा यानी कि NOC दी जाएगी। आपको बता दें कि आगामी आईपीएल 2022 से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर जा रही है जो 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। वहीं पर आईपीएल का आगामी सीजन का आयोजन 27 मार्च से 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसका मतलब दोनों कार्यक्रमों में टकराव निश्चित है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 में शुरू से उपलब्ध होने की मंजूरी दी जाती है तो उन्हें पाकिस्तान दौरे को छोड़ना होगा, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया होने नहीं देगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनुबंधित खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे के समाप्त होने के बाद ही अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल 2022 में उपलब्ध होंगे। कथित तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 6 अप्रैल से आईपीएल 2022 में भाग लेने के लिए अपने अनुबंधित खिलाड़ियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। हालांकि दोस्तों, डेविड वॉर्नर, पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें तुरंत आईपीएल 2022 में शामिल होने के लिए NOC जारी नहीं करेगा। वे सभी खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे के समाप्त होने के बाद ही अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। बाकी अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल इस साल RCB का ही हिस्सा है और उनकी 27 मार्च को शादी भी है, तो इसी वजह से वो तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन पैट कमिंस जो कि KKR का हिस्सा है और डेविड वॉर्नर जो कि दिल्ली का हिस्सा है, तो इन दो टीमों को जरूर से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी सभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो 6 अप्रैल से आईपीएल 2022 में अपनी अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए उपलब्ध होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उनको क्वारंटीन में रहना होगा, तो कोई भी क्वारंटीन में उनको रहना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक बायो बबल में रहेंगे और बायो बबल से डायरेक्ट वो बायो बबल में ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे में उनको मैंडेटरी शायद हो सकता है कि 1-2 दिन का क्वारंटीन में रहना पड़े, बाकी ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब आपके हिसाब से क्या इस चीज का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और इसके अलावा KKR पर फर्क पड़ेगा या फिर और भी जो भी खिलाड़ी हैं, अनुबंधित खिलाड़ी हैं, उनकी टीमों पर फर्क पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।